ब्लॉग तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इसमें हम कल आप गए थे करोल बाग, तो वहाँ से सामान जो हमने मंगाया था वो तो आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या सामान आएगा। एक तो झूला आई थी, वो तो मैंने कल के ब्लॉग में दिखा दी थी आपको। ये मौसम भी प्यारा हो रहा है बिल्कुल हमारा, ये देख लीजिए आप, मौसम एक नंबर हो चुका है। एंड आप चलते एक बार कहाँ, अभी देखिए। अब देखो आप, पहले तो ये चीज़ सोफ़ा तो यहाँ था ही, बट एक ये हो गया टेबल। आज ये कारपेट है, ये बिछेगी कल, क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है। अब दिखाते हैं तेरे, अब चलते हैं अंदर, अंदर का सीन दिखाऊँ आपको। ये देखो, चलो जी गाइस, ये है अंदर का सीन। आप उसे देख चुके हो, बट फिर भी ये कारपेट सब टेबल वेबल इसमें बिछे रही थी ना, अब सब सेट कर दिया है। यहाँ पर ये हो गया है डन, मतलब ये नीचे का सारा सिस्टम डन हो चुका है। अब बढ़िया लग रहा है ना, तो कमेंट कर देना जब लगे ना आपको कि हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट जरूर करना कि भाई कैसा लग रहा है सिस्टम। मेरे को तो यार बड़ा प्यारा लगा, टेबल वेबल और कारपेट वारपेट लगाने के बाद ना एक नंबर लग रहा है सारा सिस्टम। अरे ये तो बताइए, अपना हुक्का तो ही मेन, ये देख लीजिए आप। अब जो बचा है ना ऊपर का काम बचा है, ऊपर का मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि थोड़ा ऊपर का चल रहा है काम। ये बताओ क्या हुआ था, ये काम मैं बता दूँ आपको, ये काम दोबारा स्टार्ट, मतलब जो ये पॉलिश हो रही है ना, ये काम दोबारा स्टार्ट हुआ है। जो गेटों की पॉलिश हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये दोबारा स्टार्ट कर रहे काम, इसलिए थोड़ा ये सोच रहे, क्योंकि गेट वेट जो भी पूरा हुआ नहीं प्रॉपर। ये तो हो गया, पर बाहर का जो गेट है मेन गेट वो, और जो ऊपर पॉलिशिंग हुई है ना ढंग से नहीं हुई थी, तो इसलिए ये दिक्कत चल रही है इसमें। एक बार मैं इससे बंद कर देता हूँ और फिर चलते हैं एक बार ऊपर का सीन में दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम है। गाइस अब ऊपर पहुँच चुके हैं फाइनली, और ये मौसम देख लो, मौसम हो रहा है बिल्कुल प्यारा। अब मैं टाइम स्लैब बना लेता हूँ यहाँ की, क्योंकि टाइम स्लैब भी तो ज़रूरी है ना, तो मिलते हैं आपको टाइम स्लैब बनाने के बाद। और मैंने बता दिया था क्या करने आया था घर में, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है सारी कि भाई ये चीज़ आई है। वैसे तो कंप्लीट है, मैंने हाउस टूर दे दिया था आपको पहले भी दो वीडियोज़ में, बट अब जो कुछ नया सामान आया तो मैंने आपको दे दी भाई ये सिस्टम है। और चलते हैं उसके बाद, देखते हैं कहाँ चलते हैं। सुबह बता दूँगा आपको, ये देखो लाइट नीचे बैठा है, ये लाइट दिखा रहा था आपको, जो लाइट जो जलती है ना रात को, लाइटिंग सारी देखें यहाँ पे ऐसे ना सारी पूरे चारों ओर लग रही है, जैसे चार पर हाँ एक यहाँ, फिर पीछे भी दिखाऊंगा एक मिनटों को, सारी जगह लगा रखी है। रात को जलती है ना कितनी प्यार लगती है, आपको मैंने दिखाया भी होगा, ये देखिए, ये देखो ऊपर लगा रखी है इसमें टीन सी, और ये लाइटिंग होगी। जब लाइट जलती है ना भाई कितनी प्यारी लगती है ना, वो तो मैंने आपको दिखाई था। अब चलते हैं नीचे, उसके बाद जाना एक बार देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि पूरे दिन घर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात तो है बट कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। बैठा हूँ तो अभी पिताजी बताएंगे हमको कि कारगिल की जो फाइट हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, वो कब कब कैसे, और हमारे दादाजी भी साथ थे। बताओ तेरह हजार छह सौ बीस। अच्छा फिर उसके बाद क्या क्या हुआ बताना, क्या क्या हुआ था वहाँ। ये हमारा पोस्ट है 15, हाँ इंडिया का। अच्छा 15 पोस्ट के ऊपर ही वो साइड में, हाँ इसकी हाइट थी 13,620। अच्छा ये है 15 मई 1965 की बात, 1965 की बात है। हाँ फिर कैसे कैसे के क्यों हो, तो वहाँ पोस्ट से जो जम्मू काशीर से गाड़ी जाई, हाँ कानवाई, हाँ तो वहाँ वो हो गोल चक्कर, हाँ वहाँ पर कारगिल होते हुए, हाँ और ले जाए से रही। अच्छा तो वह ऊपर पोस्ट हो, वहाँ पर पूरी निगाह रखे गाड़ियों की, बट कितना आवाज आई है, तो नीचे ले बोलते डिप कमांडर ना कही ब्रिगेडियर, हाँ विकी घी, विकी घी, हाँ अच्छा ब्रिगेडियर विकी घी हो, कहा फोर राजपूत थी वहाँ। कौन सी
फोर्ट राजपूत। फोर्ट राजपूत, हाँ। अच्छा, यू वहाँ छह पोस्ट है उन पर ही। अच्छा, बिल गेट से बताओ भाई तो पूरी सिक्योरिटी दे। अच्छा, ऐसे करो यार ले लो। और यार फोर राजपूत ही ले सके। तो प्लान बनाई इनने कि भाई मोन अटैक करो। यदि साइलेंस अटैक। साइलेंस अटैक, हाँ। किस तो होवे साइलेंट अटैक? मिसाइल साइल थे, कैसे होवे साइलेंट अटैक? चुपचाप चुपचाप आप एकदम, हाँ, चुपचाप वहाँ जाओ। हाँ, अरे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा उनके नजदीक पहुँच के और उन पर अटैक कर दो। अच्छा, क्या बोलते हैं साइलेंस अटैक। अच्छा, तो यह को टाइम हो रात को 12 बजे। 12 बजे, हाँ, 13 मई को। 13 मई को 12 बजे, हाँ। अब वहाँ पे भाई देखे वहाँ इकट्ठे हुए कारगिल में पैसा इकट्ठा हो के वहाँ पे अब मार्च कर दिया। अच्छा, बी कंपनी अटैक करेगी, हाँ, और 40 कंपनी रिजर्व रहेगी। अच्छा, और अल्फा कंपनी ब्लैक रो है एक साइड में। ब्लैक रो, हाँ। अच्छा, अल्फा कंपनी ब्लैक रो पे अटैक करेगी। और डेल्टा कंपनी जो पोस्ट है उन पर रहेगी। तो पाकिस्तान में घुस के मारे हैं ना वे? हाँ, पाकिस्तान में घुस के, कोई पोस्ट हो पाकिस्तान में घुस के मारे ना फिर भी? हाँ, कारगिल जो हुई, हाँ, 1965 है। हाँ, ये कारगिल में ही हूँ। और गोली भी तो लगी है आपके, कहाँ कहाँ लगी? अच्छा, तो वहाँ बल मार्च कर दियो। कर्नल पलटन की गहलोत, कर्नल हाँ कर्नल सुदर्शन सिंह। अच्छा, बता दिया। तो फिर ये बताओ कि गोली कहाँ कहाँ लगी आपके? अब सुन तो सही का ही आदमी, सुनाओ 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 भाई। तो पिताजी सारी बातें बता रहे हैं, मैं आपको बताता रहा हूँ जैसे भी हो। भाई वहाँ पहुँच गए हम 12 बजने थे, 5 मिनट पहले। अच्छा, तो जो ही हम पहुँचे अटैक करने को भाई उनमें जाग पड़ गई। जाग पड़ गई तो उनने सोची कंपनी ने एडवांस शुरू कर दी। उनने सोची कि नदरी का बन दो जो मारेंगे। अच्छा, वहाँ में पत्थर है छोटे छोटे। अच्छा, उन्होंने फायर किया। हाँ, तो कुछ तो फायर ऊपर कर गया। हाँ, पत्थर के पीछे बीच होकर लिकट गया आगे। वहाँ कंपनी कमांडर मारे हुए हो। अच्छा, BS रंधावा अपना इंडिया को। हाँ, बी कंपनी कमांडर। अच्छा, BS रंधावा मारे गयो। और एक कैप्टन वीर चक्रा, अच्छा वाह, रंधावा को मिलो महावीर चक्र। महावीर चक्र है, हाँ। और कैप्टन हो अबे वाह मिलो वीर चक्रा। अच्छा, वाह क्या गोली लगी। और एक हमारा होलदार हो गिरधारी, वाह वीर चक्र मिलो। 15 आदमी इनकी मौत मारे गए वहाँ। अच्छा, 10 ने ये वीर चक्कर मिले। अच्छा, एक ग्रेनेड का टुकड़ा मेरे यहाँ लगे पीछे। कहाँ? क्या भाई, यहाँ पीछे। हाँ, यहाँ। हाँ, अच्छा, और वो बम का जो वो रहे वे, जो ग्रेनेड रहे बम। हाँ, अच्छा, वहाँ को एक टुकड़ा टुकड़ा लगो पीछे। हाँ, यू लगे हो और हेड फायर हो। अच्छा, पीछे पड़े हो ग्रेनेड। हाँ, बाकी एक की लगी, एक की लगी। हाँ, जट भाई 12 बजे हमने बक्सर में भगा दिए पाकिस्तान के। हाँ, अच्छा, छोड़ के भग गए। हाँ, 4 जवान उनके पकड़े गए हुए मारे गए। अरे गोली कहाँ लगी? पाम में। पाम में ना लगी, भाई ग्रेनेड लगो यहाँ। हाँ, अच्छा, मतलब ये एक इंडिया हरा दी पाकिस्तान, मतलब घर में बढ़ के मारे। हाँ, और के उनके पोस्ट हो। अच्छा, फिर अल्फा कंपनी ने वो पोस्ट ले लियो सुबह 8 बजे।
अल्फा ने फिर आपने तो हमने तो 12 बजे ले लियो पोस्ट, 12 बजे ले लियो रात को। और उनने ब्लैक रो थोड़ी थी कारगिल की, जो अपनी वो थी क्या बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान की कारगिल जो 1965 की फाइट थी ना, तो उसमें हमारे दादाजी थे, दादाजी के यहाँ ग्रेनेड का जो एक वो थी कील वो लगी थी, उसके बाद में अंदर घुस के मारे थे पाकिस्तान के, तो वो हो गया था। चलो कमेंट में था राज कचौरी लेने, अब लेते हैं रेड बुल एंड आइस क्यूब, तो चलते घर। फिर अभी शेखर का फोन आ रहा है, जाना एक बार फिर आपको दिखाते हैं एक बार रेड बुल वेड बुल और ले लूँ मैं, राज कचौरी तो ले ली मैंने, बस ये चीज़ ले लूँ। अरे चू टू कर दी, निकल चुके हैं हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, उसके बाद फिर हम निकल चुके हैं अपने, कॉफ़ी मैंने उठा ली है, अब जा रहे हैं घर। और आज का सीन ये था कि भाई मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या आया था आज, हम वहाँ से जो ऑर्डर किया था हम करोलबाग गए थे ना, वहाँ से क्या घर के लिए आया, घर मतलब लगभग पूरा कम्प्लीट तो हो चुका था पहले भी, मतलब अब थोड़े टेबल वेबल अब भी छे इसमें, पहले पुराने थे ना वो ऊपर चले गए थे, अब नए भी छे इसमें, सब चीज़ में कारपेट वारपेट लगा के पूरा डन लगा दिया है। अब एक दो टेबल और रह रही हैं नीचे के लिए, वो भी कुछ दिन आ जाएंगी, एंड झूला जो मताई थी मैंने वो बाहर के लिए पार्क के लिए वो भी इसमें डल गई। और क्या सीन था, यही था ऊपर का भी, पूरा पॉलिशिंग दोबारा हो रही है भाई, वो पता नहीं क्या उन्होंने ढंग से पॉलिशिंग नहीं करी, पता नहीं क्या हो गया, वो पापा दोबारा करा रहे हैं उन चीज़ को, मतलब पूरे गेट के नीचे भी, नीचे के जो बाहर के गेट है उन पे, और जो रूम था नीचे उस पे एक बार दोबारा हो रही है उन पे। अब ये चीज़ समझ में मेरे को भी नहीं आई कि भाई किस चीज़ के लिए हो रही है यार, मतलब दोबारा, या तो कोई ख़राब भी ढंग से नहीं किया उन्होंने, ऐसे कोई सिस्टम हो रहा है मेरे को भी ढंग से पता नहीं है यार क्या सिस्टम है। चलो जो भी है देखते हैं, आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में सब चीज़, भाई ये सिस्टम है ऐसा है ये। और अब मैं जा रहा हूँ घर यार, आज मैंने कुछ भी नहीं किया सच में, मैंने खाया वैसे तो, मैं इतना लेट उठाऊँ ना यार, पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, पता नहीं, रात को नींद आती नहीं है, रात को फ़ोन चलाता रहता हूँ, फिर कम से कम 2-3 बजे सोता हूँ, उसके बाद फिर सुबह एक बार उठ के फिर सो जाता हूँ, फिर नहीं उठता मैं लेट तक भी, ये दिक्कत हो रही नहीं कहीं जा पाता ना कहीं कुछ। आज भी दिल्ली जाना था मेरे को पापा के साथ, बट वो मैं उठ ही नहीं पाया आज तो, कल तो उठ गया था, आज तो उठ ही नहीं पाया बिल्कुल भी, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। और रही कल की बात, कल जाएंगे, मैंने आपको बताया था ना कल वहाँ जाएंगे हम, शायद मैं बता दूंगा आपका जैसा भी रहेगा। और उसके बाद अपनी गाड़ी का सीन है, वो भी कमेंट आ रहे थे ना भाई वो ले लो रेंज रोवर नहीं, मैं भाई वो सीन आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, गाड़ी आएगी बट कुछ दिन बाद आएगी ज़रूर। अभी मैं आपको बता दूँ गाड़ी का सीन ऐसा है, अभी आती गाड़ी, बट हमने वो प्लांट ले लिया, हमने एक प्लांट ले लिया तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुए, बट आएगी गाड़ी, डिले हुए हैं थोड़ा हुआ है ज़्यादा नहीं, गाड़ी आएगी, उसके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी, प्लांट खरीद लिया पापा ने तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट थोड़ा उसमें ज़्यादा हो गया, तो इसलिए गाड़ी थोड़ा लेट है, पर गाड़ी आएगी। जब प्लांट लिया है तो कुछ पैसे लिया है ना, तो उसमें से प्लांट में तो पैसे आएंगे, और गाड़ी में से पैसे थोड़ी ना आएंगे, गाड़ी तो चलो ले लेंगे कभी ना कभी तो लेंगे ही, मतलब कभी ना ये लेंगे ज़रूर, पर और आपको बताते रहेंगे, आपको ब्लॉग अच्छा लगे।